अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे वालेकुम हो? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्ला कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक। ठीक है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्ला ठीक। आप सुना? शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अचानक देख लेते हैं। हाँ जी चलें कि A4 में। हाँ जी A4। अच्छा जी, यहाँ पे एक आपने मेजर मिस्टेक कर दी हुई है। नहीं, वो ये हुआ था कि कंट्री चेंज नहीं हो रही थी, वो अलाउ ही नहीं कर रहा था। हम चेंज करते थे तो वो नहीं हो रही थी। अच्छा, वो टूल का शो हाँ आ रहा जी होगा ना भाई? टूल हाँ जी, जिसमें हो रही थी उसमें कर दी थी। चले, ठीक हो गया। नो नो इशू, ठीक है। क्राइटेरिया आपका बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट, वेरी गुड। ओके, अच्छा जी, ठीक है, एक्सीलेंट। ये प्रोडक्ट, ये अब US से मार्केट के आएंगे आपके ना? ओके, अच्छा जी, इसमें आपने 10 एक्शन लिए होंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग में तो, और वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये प्रोडक्ट आप लोगों के, ठीक है, तो आपका क्या था की है डच पॉप? ठीक हो गया, चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड वर्क। अच्छा जी, आपके आपके चले, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, आपने ये सीख लिया किस तरह से जो है वो हीलियम के थ्रू आप ब्रांड्स को और प्रोडक्ट के आइडियाज़ को जनरेट करते हैं जी अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, हाँ आपने जी आपने किसी भी मार्केट में काम करना है तो आप हीलिंग के ब्लैक बॉक्स से हेल्प लेकर, तो वहाँ से ब्रांड्स को और प्रोडक्ट को, उनके आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक हाँ है। जी अच्छा जी, ये हो गया। और अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास शीट आई है, फॉर एग्जाम्पल, ये देखें जो हमारे पास आपकी जो शीट है ये वाली, इसमें से हमारे काम की प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है ना। अब हमने उस तरफ को चलना है, और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि इसमें जो सेलर्स बैठे हुए हैं टोटल, हमने अपने ब्लैक बुक को कहा था कि मिनिमम 3 सेलर हो जाएं या 5 हो जाएं, और मैक्सिमम 25 से ज़्यादा ना हो इस ब्रांड या इस प्रोडक्ट में। तो ये जो जी सेलर्स हैं, इनमें FBA सेलर कोई ना कोई डेफिनेटली होना चाहिए, तो देन वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो होगी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल जी ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट में FBA सेलर हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट जी में है तो ऐसा है कि अगर एक भी FBA आपका उसमें है ना, तो वो प्रोडक्ट आप लेके आगे जी आगे चल सकते हैं। USA मार्केट सही में ऐसा होता है कि कम अज़ कम आपके पास 5 FBA सेलर उस प्रोडक्ट में लाजमी निकले, तो देन वो प्रोडक्ट आप लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो सही हम आप ही के शीट से ये एक एक्शन लेते हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और आपने इसको ले जाना है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अमेजोन पे हमारे, अमेजोन पे आपने ऑस्ट्रेलियन मार्केट को ओपन करना है, amazon.com.au, और देन आपने उसकी डिलीवरी जो है वो कोई भी स्टेट का जिप कोड दे के उसको चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अब हमने वो जो एक्शन कॉपी किया है वो पेस्ट करते हैं और इसको सर्च करवाते हैं। ये प्रोडक्ट है 78.79 सेंट की, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, आपने वन टाइम इसको क्लिक करना तो ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर, जब ये डाटा पूरा फेच हो जाए ना, तो देन आपने नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर करना है, ठीक है, उससे पहले नहीं करना। अच्छा जी, ठहरे ज़रा, आपको रहने दें इसको।
अच्छा ये देखिए हो गया। इसके ऊपर अब आपने ओ एस एडन, ओ एस एडन आपको डाउनलोड करवाई हुई है एक्सटेंशन? नहीं, कौन सी ब्लैक? ओ एस एडन इस तरह का ओ साइन एस होगा। नहीं सर, इनको नहीं करवाई है, आज लेक्चर के बाद इन्हें बता देते हैं करने को। चले मैं आपको बताता चल हूँ आपने कैसे करनी है। ये देखिए चल, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर है ना यहाँ पे ध्यान रखें, इस तरह का हाँ उसका जी, आइकन होगा ठीक है। ये ओके मेरे ऊपर आ रही है। डाटा फेच होने के बाद आपने इसको वन टाइम क्लिक करना है ओ एस एडन को। तो एक इस तरह सही। का इस तरह की पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये ओ एस एडन क्या करता है, इसको ऑनलाइन सेलर एडन बोलते हैं। ये आपको उस ब्रांड के या उस प्रोडक्ट के जो आपने ओपन की हुई है उसके टोटल सेलर्स और उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता है। इसको आपने यहाँ से ये जो ब्लू साइन आ रहा है यहाँ से ओपन कर लेना है। अच्छा अब ये देखें, ये हमें बता रहा है कि इसमें 6 ऑफर काउंट है, कि इसमें टोटल 6 सेलर हैं ठीक है। ये जो फर्स्ट रो में आ रहे हैं ये सेलर्स के नेम है ठीक है। जी, अच्छा हाँ जी, सेकंड में हर सेलर के पास जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी वो आ रही वो आ रही है। अच्छा थर्ड सही। में उसकी प्राइस आ रही है हर, देखें आप यहाँ पे थोड़ा समझें, प्रोडक्ट एक ही सारे सेलर सेल कर रहे हैं, ब्रांड एक ही है, लेकिन हर सेलर की प्राइस उस प्रोडक्ट की सेपरेट सेपरेट है ठीक है। जो सबसे लो प्राइस होगी वो ऊपर आ रही होगी, जो सबसे हाई प्राइस होगी वो नीचे आ रही होगी ठीक है। ये 105 में भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है जो 78 वाला बेच रहा है ठीक है। अच्छा ये है हाँ जी, सेलर्स की टाइप थर्ड में। अच्छा थर्ड में हाँ अब जी, ये अमेजोन मुझे लगता है इटसेल्फ बेच रहा है ठीक है। हाँ जी, आगे जाके हम टूल पे देखेंगे कि आपको कंफर्म कहाँ से होगा कि इसमें अमेजोन है या नहीं है, लेकिन ये सही, हमें फिलहाल यहाँ तक बता रहा है कि ये अमेजोन है ठीक है। अच्छा ये हाँ वाला जी, सेलर हाँ जो है जी, ये FBM कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है, ये भी FBM, यानी कि इस प्रोडक्ट में कोई भी FBA सेलर नहीं है, टोटल हाँ जी, हाँ FBA कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा इशू जी, भी है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट क्योंकि आपकी नहीं है अभी, यहाँ पे हाँ FBA सेलर हैं ही बहुत कम, ज़्यादातर जी, लोग FBM ही कर रहे हैं। अच्छा इससे हाँ जी, ये भी पता चलता है कि FBM सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ही हो सकता है ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जो हाँ जी, बाहर के क्लाइंट होंगे वो FBM नहीं कर सकते, तो इससे ये हाँ पता जी, चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग ही यहाँ पर अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, बाहर के लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में सेलिंग नहीं कर रहे ठीक है ना। हाँ जी, जो हाँ जी, बाहर से करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान हाँ से जी, बैठकर अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काम करूंगा तो मैं FBM नहीं कर सकता, होगा, मुझे हाँ डेफिनेटली जी FBA ही करना पड़ेगा। जी इसलिए ये एक न्यू मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है और यहाँ पे कंपटीशन कम है। और चलें आगे जी देखते हैं। अब इसमें FBA नहीं है तो ये प्रोडक्ट आपके किसी काम के नहीं है ठीक है। अच्छा हाँ जी, हमने क्यों जाना होता है FBA के साथ? देखें अगर तो आपने अपने अकाउंट पे खुद काम करना है और आप FBM करना चाहती हैं, आपका एक हाँ जी, स्पेसिफिक केस है ना, तो हाँ देन जी, तो देन आप इनके साथ जा सकते हैं ठीक है, क्योंकि ठीक, आपने भी हाँ जी, FBM करना है। लेकिन जो हाँ जी, हम ज़्यादातर मेजोरिटी हमारे यहाँ पे सीखती है और करती है उन्होंने और उनके अच्छा क्लाइंट्स ने FBA ही करना होता है, तो इसलिए जी, हमने FBA की फिजिबिलिटी उस प्रोडक्ट में देखनी होती है कि FBA की फिजिबिलिटी है कि नहीं। तो अगर किसी सही, प्रोडक्ट में FBA सेलर नहीं है तो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसा इशू है जिस वजह से उसमें FBA नहीं हो रहा, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो इसलिए हम चूंकि ज़्यादा हम US मार्केट में ही ट्यूटोरियल करते हैं, उसी का ज़्यादा काम होता है और उसी पे क्लाइंट ज़्यादा फोकस करता है, तो उसमें हम कम से कम 5 FPA लाजमी देखते हैं, ताकि अगर वहाँ पे FPA फिजिबिलिटी बन रही है और FPA कर रहा है हाँ जी तो देन हमारी भी उसमें बनेगी ठीक है ना। अच्छा जी ये हो जी गया। अब आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट हम और देख लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पे हमारे शीट पे ये हम देखते हैं, तो कॉपी किया और अमेजोन पे आप आते हैं। अच्छा जी ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इसके ऊपर ओ एस एडन डाटा फेच हो ले रहे थे,
अच्छा जी, क्या हो गया? इसको हम वो एडन को रन करते हैं। यहाँ से आप इसको ओपन करें। आप देखें इस प्रोडक्ट में 7 सेलर हैं टोटल और एक हाँ एफपीए जी है। अच्छा, अगर अब हाँ मैंने जी पाकिस्तान से बैठ के तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काम करना है, तो ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ तक तो फिजिबल लग रही है, क्योंकि तो इसमें एक बंदा एफपीए कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी अच्छा, इस तरह से आपने कम अज़ इस मार्केट की 5 प्रोडक्ट आप ऐसी फाइंड करें जिनमें कम अज़ कम एक एफपीए तो डेफिनेटली हो, ठीक है ना? अच्छा, तो हाँ उसका जी उसका आपने इसी तरह से प्रोडक्ट को ओपन करना है, अपनी शीट सेशन लेने हैं, ठीक है? शीट हाँ जी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो आपकी शीट आप ही को तंग करती जाएगी, ठीक है ना? जी ठीक अच्छा, हाँ जी आपने अपनी शीट सेशन लेके उसको ओपन करना है अमेजोन पे, देन आपने ओएस एडन को रन करना है, और जब ओएस एडन ये आ जाए, इसको ये वाला ब्लू वाला साइन से इसको फुल ओपन करें, देन आप हाँ इसका जी यहाँ से स्क्रीन शॉट लेंगे। हाँ ये देखें, ये हमने इसका ऐसे, आपने जी ये स्क्रीन शॉट लेना है ऐसे, ठीक है ना? हाँ जी नीचे प्रोडक्ट भी आ जाएगी और ऊपर आपके जो ओएस एडन की डिटेल भी आ जाएगी। तो ये इस तरह से हाँ आपने स्क्रीन शॉट लेके, तो ये आपने 5 कम अज़ कम प्रोडक्ट के स्क्रीन शॉट जो हैं असाइनमेंट वो अपनी असाइनमेंट में लगाने, कैनवा पे ले जाके असाइनमेंट ठीक नंबर 5 आपकी बनेगी, ये ठीक है? अच्छा, हाँ अब मैं जी आपको बता देता हूँ कि आपने ओएस एडन इसको कैसे डाउनलोड करना है। आप आएंगे गूगल के ऊपर, गूगल के सर्च बार में आप लिखेंगे OSADDON, ठीक है? ये देखिए जी नीचे आ गया ओएस एडन हाँ क्रोम जी एक्सटेंशन, ठीक है? हाँ इसको जी इसको आप क्लिक करेंगे। अच्छा, chrome.google.com ऑनलाइन सेलर एडन। अच्छा, ये देखें, ये आ रही है एक्सटेंशन, ऑनलाइन सेलर एडन एक्सटेंशन, ठीक है? ये वाले, हाँ जी हाँ जी इसको आपने ओपन किया। ये वाले हो रहा है, इसी को ओपन कर लिया। हाँ, ये देखिए जरा, अब चूंकि ये मेरे यहाँ पे हुई हुई है, इसलिए मेरी आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है? तो जी आपके यहाँ पे आएगा ऐड करना ऐड एक्सटेंशन, ठीक है? जी यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगा, आपने वहाँ से ऐड करना है। देन एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन होगी, उसमें आएगा ऐड एक्सटेंशन, उसको ऐड एक्सटेंशन कीजिएगा, तो देन आपने इस लीफ के साइन में वो आ जानी है, ठीक है? इसको आपने ठीक वन टाइम क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरी ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ये वाली, हाँ जी ये इसका आइकन होगा, ये याद कर लें। तो आपने इसको जी यहाँ से अब पिन कर देना ऐसे, ठीक है? ठीक ये देखिए, मैंने अनपिन जी किया है तो ये ऊपर से गायब हो गई है। हाँ जी अच्छा, हाँ आप जी आपने जब पिन करना है तो देन ही इसने एक्टिव होना है, और देन ही इसने वर्क स्टार्ट करना है, और इसने आपके ऊपर आ जाना है, ठीक है? ये ठीक देखें, ऊपर आ गई। तो ये इस तरह से आपने इसको, इस ओएस एडन को, एक्सटेंशन को आप अपने क्रोम एक्सटेंशन में डाउनलोड कर लीजिएगा, और जी ये आपकी असाइनमेंट होगी। आपने कम से कम सही 5 ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है ना, जिनमें कम से कम एक एफपीए सेलर हो, हाँ सही जी, कम से कम एक एफपीए सेलर मिनिमम हो, उसको जो है आपने सही वो 5 सेकंड छोड़ा आपने लगाना है, ठीक है? इसमें जो आ रहे हैं अमेज़न वाली प्रोडक्ट्स तो वो तो नहीं हमने देखने ना नहीं, वो वो भी देखें, वो भी आप लगाएं, नो इशू, नो प्रॉब्लम। वो हम आगे आगे जाके आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कहाँ से चेक होना है कि अमेज़ॉन है कि नहीं है। यहाँ से एग्जैक्ट नहीं है ये जो बता रहा है वो, सही हाँ जी, यहाँ से सिर्फ सही सेलर सेलर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये सेलर है। हाँ एग्जैक्ट आगे सही आगे जाके आपको बताएंगे, वो कीपा से पता चलेगा, हीलियम इन टूल सही से नहीं पता चलेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ जी जी, नेक्स्ट फिर हम सही कल का हमारा लेक्चर होगा सेल्स के ऊपर, कि प्रोडक्ट की सेल आपने कैसे देखनी है, और सेल्स में किस प्रोडक्ट को लेके आपने आगे चलना है, किसको लेके नहीं चलना, ठीक है? अब ठीक आपकी डेली क्लास हुआ करेगी। मैडम हाँ कह रही थी जी मंडे टू फ्राइडे, या थर्सडे मंडे टू थर्सडे थर्सडे, ठीक है? मंडे टू हाँ जी थर्सडे तक आपकी डेली क्लास हुआ करेगी 5 o'clock, जी
ठीक है ना, हाँ जी कल ठीक है, का, हाँ तो कल आप चलो ये असाइनमेंट करें, कल आपको सेल्स का करवाएंगे इंशाल्लाह, फिर एज सुन एज ठीक, पॉसिबल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी कोई इंशाल्लाह। क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कर लें, नहीं अदरवाइज चलें, ठीक है, हाँ जी चलो ओके जी, ठीक है, जजाक अल्लाह जी, जजाक थैंक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।